अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्दीक्विसेंस। गाइस, आज मैं आपके लिए काफ़ी दिनों बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आपकी घंटों में नहीं मिनटों में होगी तैयार। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी को। इस रेसिपी को बनाने के लिए गाइस, सबसे पहले हमें बड़े पीसेस में कट लगाकर उन्हें एक तरफ रख देना है। फिर हमें एक कटोरी में आप एक टीस्पून जो है आप उसमें पीनट बटर लें, फिर एक चम्मच शहद डालें, हनी का लें, एंड वन टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी और हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, एंड साथ में डालें आप उसमें टू टेबल स्पून सिरका विनेगर। आप कोई भी विनेगर ले सकते हैं, और इसमें साथ में डाल दें आप इसमें नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और फिर गाइज इसका पेस्ट तैयार कर लें। पीनट बटर की वजह से गाइज ये एक बहुत ही अच्छा थिक स्मूथ पेस्ट ये तैयार हो जाएगा। फिर गाइज हमें क्या करना है, हमारे चिकन के इन पीसेस को इस पेस्ट से अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। ये पेस्ट सारा हमें रब कर लेना है चिकन के ऊपर, और फिर जब इन्हें हम अच्छे से रब कर लेंगे तो गाइज़ आप इन्हें मिनिमम 2 आवर्स और मैक्सिमम जितना भी आप छोड़ना चाहें आप इन्हें मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख दें। अब जैसा कि हमारा मैरिनेटेड चिकन तैयार है, अब गाइज हम क्या करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम फ्राई पैन में, एंड इसमें इनको स्टर फ्राई करेंगे। बिल्कुल हमें इन्हें शैलो फ्राई करना है। तो जैसे कि मैंने ये पैन में डाल दिए हैं, अब इन्हें 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम शैलो फ्राई करेंगे। और गाइस जब ये शैलो फ्राई हो जाएंगे तो हम इसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया है, अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे थोड़ा सा, और तकरीबन हाफ कप हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। और जो हमारा जो पेस्ट था हमारा मैरिनेशन का बचा हुआ, हम उसको भी एक तरफ रखेंगे, जो कि हम अब इसमें 5 से 10 मिनट के बाद हम उसे भी ऐड कर देंगे। देखिए गाइस, यही पेस्ट हमारा ग्रेवी, इसमें जो हमें इसमें और कुछ ग्रेवी के लिए ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यही पेस्ट हमारे ग्रेवी की फॉर्म में बदल जाएगा। तो गाइस जैसे कि तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके थे इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक होते हुए, अब गाइस मैंने इसमें ऐड कर दी है 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर, और फिर इसमें हमने थोड़ा सा पानी और ऐड करा सो दैट कि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जो है वो इतनी ज़्यादा थिक ना हो। अब गाइस मैं इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए फिर से ढककर लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी। ऑलमोस्ट हमारा चिकन अच्छे से कुक हो चुका है, लेकिन और अच्छे से ये टेंडर हो जाएगा, सॉफ्ट अंदर सारे इसके जो फ्लेवर्स हैं वो चले जाएंगे। अब गाइस ये देखिए हमारा यमी यमी चिकन रंगरसिया बनकर तैयार हो चुका है। एंड में मैं इसमें डाल रही हूँ आधे नींबू का जूस, जो इसके स्वीट एंड सार फ्लेवर को बैलेंस कर देगा। तो ये देखिए गाइस, आप जल्दी से हम इसे सर्व कर लेते हैं, मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। और गाइस इसकी खुशबू बहुत ही अमेजिंग है, जो पीनट बटर का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छे से बाकी स्पाइसेस के साथ ब्लेंड हो गया है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। एंड देखिए गाइस, ये हमारा यमी यमी चिकन बनके तैयार हो चुका है। चलिए अब बारी है इसको टेस्ट करने की, मैं आपको इसको टेस्ट करके भी दिखा देती हूँ। सीरियसली गाइस, इसको देख कर मुँह में पानी आ रहा है। आई एम श्योर जब आप इसको बनाएंगे और इसकी खुशबू से आपके भी मुंह में पानी आ जाएगा। तो गाइस ये देखिए, जितना ऊपर से देखने में यमी है उतना ही अंदर से भी ये बहुत ही सॉफ्ट एंड जूसी है। गाइस मैं आपको इसे थोड़ा सा अंदर से दिखाती हूँ तोड़कर। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है ये अंदर से, एंड ये ग्रेवी जो बहुत ही स्मूथ है, और गाइस सीरियसली बहुत ही यमी है ये चिकन। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल बताना ना भूलें कि आपकी रेसिपी ये चिकन रंगरसिया आपका ये कैसा बना। तो गाइस अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल सिद्दीक्विसेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही फिर आपके सामने बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।